दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 2024 में पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में जो पासपोर्ट बनता है वो केवल 10 सालों के लिए बनता है। 10 सालों के बाद हमारा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब जो उसका वैलिडिटी होता है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उस केस में हम लोगों को पासपोर्ट दोबारा रीइश्यू करने की जरूरत होती है। मेरे भी एक अंकल है जो लगभग 10 सालों से विदेश में रह रहे हैं, मतलब वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसका जो पासपोर्ट था वो अप्रैल 2024 में एक्सपायर होने वाला था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे पासपोर्ट को रीइश्यू कर सकते हो। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने अंकल का पासपोर्ट रीइश्यू करने के लिए लगभग 15 दिनों पहले अप्लाई किया था, ठीक है। एंड उनका जो नया पासपोर्ट है 2 दिनों पहले उसके एड्रेस पे डिलीवर हो चुका है। अब इस नए पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो 2034 तक हो चुका है। अब ये 10 सालों तक और भी अब्रॉड में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं पासपोर्ट रीइश्यू करने का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप पासपोर्ट रीइश्यू के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। एंड उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पासपोर्ट को रीइश्यू करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे। एंड इसमें आपको सर्च करना है पासपोर्ट इंडिया। इसे सर्च करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे पहला लिंक मिलेगा पासपोर्ट सेवा का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लिंक पे क्लिक करते ही आप पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पे चले आएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो अलर्ट मैसेज यहाँ पे दिखा रहे हैं आप इसे यहाँ पे कट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पासपोर्ट इंडिया का पोर्टल देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस पोर्टल पे पासपोर्ट से रिलेटेड किसी भी सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे नया पासपोर्ट बना सकते हैं, पासपोर्ट रीइश्यू कर सकते हैं, पीसीसी बना सकते हैं, कोई भी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे एक नया रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो दोस्तों, नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फर्स्ट में ही न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुल के चला आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको सिर्फ आपके स्टेट का जो मेन पासपोर्ट ऑफिस होता है उन्हीं का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप अपने जिले के पासपोर्ट ऑफिस को सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपका जो भी मेन पासपोर्ट ऑफिस है आपके स्टेट का वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे एंड अपना सर नेम जो लास्ट नेम होता है वो यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट, इस कैलेंडर पे क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे टाइप करेंगे जो आप यूज करते हैं अपने फोन में। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अपने ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वही आपका लॉगिन आईडी भी हो जाएगा। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे एंड अपना लॉगिन आईडी अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम रखना चाहता हूँ तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। इसके बाद पासवर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए इसे जानने के लिए आप पासवर्ड पॉलिसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉलिसी देखने को मिलेगा। आपके पासवर्ड में एक नंबर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और आपका पासवर्ड का जो लेंथ है 8 से 14 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग एक पासवर्ड बना लेंगे एंड उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाले में भी फिल कर देंगे। हिंट क्वेश्चन में आप अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको मन करे एंड उसका आंसर यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये सिर्फ ऐसे ही पूछा जाता है, अगर आप इसमें कुछ भी फिल कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को इस कॉलम में फिल करेंगे एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे आईडी को एक्टिवेट करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले उस लिंक पे क्लिक करके अपने आईडी को एक्टिवेट कर लेना है। तो आईडी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप अपना ईमेल को ओपन करेंगे एंड इसमें आप देखेंगे एक मेल यहाँ पे रिसीव हुआ है passport.admin के द्वारा। आप सिंपली इस मेल को ओपन करेंगे। इस मेल को ओपन करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अपना यूजर आईडी जो आपने यूजर आईडी क्रिएट किया था वो यूजर आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। यूजर आईडी फिल करने के बाद आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आईडी को एक्टिवेट करने के बाद पासपोर्ट इंडिया के पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपको यहीं पे एक लिंक मिल जाएगा क्लिक हियर टू लॉगिन का। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आके एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है।
दोनों में कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना लॉग इन आईडी जो आपने बनाया था, लॉग इन आईडी वो यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका ईमेल आईडी है, लॉग इन आईडी है, तो आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, इस कैप्चा कोड को इस कॉलम में फिल करेंगे एंड लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पे लॉग इन हो जाएंगे। इस पोर्टल पे सक्सेसफुली लॉग इन होने के बाद पासपोर्ट को री इशू करने के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेंट होम में देखेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन में अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू ऑफ पासपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आके क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आरपीओ सिलेक्शन में सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप अपना जिला का नाम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसमें आपको पासपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको किस प्रकार का पासपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर का, अप्लाइंग फॉर में दो ऑप्शन है, फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू ऑफ पासपोर्ट। दोस्तों अगर आप एक नया पासपोर्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फ्रेश पासपोर्ट को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड अगर आप पासपोर्ट को री इशू करना चाहते हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। री इशू वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे और भी यहाँ पे ऑप्शन खुल के चलाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपने पासपोर्ट को री इशू क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर्स या फिर ड्यू टू एक्सपायर, मतलब जो आपका पासपोर्ट है या तो एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरे अंकल का जो पासपोर्ट है 3-4 महीनों में एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट खो चुका है तो आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर अगर आप अपने पासपोर्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, इसमें दो ऑप्शन है नॉर्मल एंड तत्काल। दोस्तों अगर आप अपने पासपोर्ट को एकदम जल्दी बनवाना चाहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, तो आप यहाँ पे तत्काल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई जल्दी वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं भी हमेशा नॉर्मल का यूज करता हूँ किसी का भी पासपोर्ट को अप्लाई करते समय। तत्काल में ज्यादा चार्जेस भी लगते हैं एंड ज्यादा टाइम्स का डिफरेंट भी नहीं होता है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बुकलेट टाइप में आपको 36 पेज एंड 60 पेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इसमें 36 पेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। 60 पेजेस वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो लोग हमेशा डिफरेंट देश में घूमते रहते हैं। ये सभी चीज सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पासपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो एप्लीकेंट डिटेल्स में सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम को फिल करेंगे, फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे एंड उसके बाद अपना लास्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी और नाम से जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोई नाम चेंज किया है, तो आप इसमें भी नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नाम वगैरह दूसरा नाम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो आप लोग ये दोनों कॉलम में नो पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, यस पे नहीं क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर के अनुसार। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, मतलब जन्म स्थान है, भारत के बाहर है, तो इस केस में आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपना गांव का नाम या फिर अपना शहर का नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे एंड मैरिटल स्टेटस में अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने देंगे कि इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो फिल करेंगे, अगर नहीं है तो इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप क्या करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर आप करते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैट्रिक पास है तो 10th पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप अनएजुकेटेड है मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे 7th पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे 10th पास के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर ग्रेजुएशन पास के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग नॉन ईसीआर कैटेगरी वाले पासवर्ड में चले आएंगे, यहाँ पे यस के ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। एंड दोस्तों यदि आप यहाँ पे 8th पास के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं या फिर 7th पास के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग ईसीआर कैटेगरी में चले आएंगे, यहाँ पे नॉन ईसीआर में नो के ऑप्शन पे क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर से आप लोगों को डिटेल में समझा देते हैं कि ईसीआर पासवर्ड और ईसीएनआर पासवर्ड में क्या डिफरेंट होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि
ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट मतलब नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होते हैं, ये तो आप लोग समझ ही लिए होंगे। जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उसका ईसीएनआर पासपोर्ट बनता है मतलब नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनता है, और जो लोग मैट्रिक पास नहीं किए हैं उनका ईसीआर पासपोर्ट बनता है। दोस्तों अगर आपने मैट्रिक पास नहीं किया है एंड आपका जो पासपोर्ट है ईसीआर बनता है, तो उस केस में आप लोगों को किसी दूसरे देश में जॉब करने में परेशानी होगी। आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे तभी आप जॉब के लिए विदेश जा सकते हैं अगर आप मैट्रिक पास नहीं है तो। लेकिन अगर आप मैट्रिक पास है एंड आपका जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का बनता है, तो आप किसी भी चीज के लिए विदेश जा सकते हैं, चाहे जॉब के लिए, घूमने के लिए, किसी भी काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आई होप आपको ईसीआर एंड नॉन ईसीआर कैटेगरी का डिफरेंस समझ में आ गया हो। इसके बाद अगर आपके बॉडी में कोई कटा छटा का निशान है या फिर कोई तिल वगैरह का निशान है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इसमें लिखना जरूरी नहीं है। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे एंड इस कंसेंट में यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फैमिली डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। तो फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले आप यहाँ पे अपने फादर के फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे एंड उसके बाद उसका सर नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। इसी प्रकार से आप अपने मम्मी का फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे एंड उसका लास्ट नेम इस कॉलम में फिल करेंगे। लीगल गार्जियन नेम फिल करना जरूरी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस भारत के बाहर है मतलब इंडिया के बाहर है, तो आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे एंड इसके बाद आप अपना फुल एड्रेस को इस कॉलम में फिल करेंगे जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से अपना एड्रेस को फिल करना है डिटेल में। जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना विलेज का नाम टाइप किया, उसके बाद अपना पोस्ट का नाम एंड इस कॉलम में अपना थाना का नाम यहाँ पे मैंने फिल किया। यहाँ थाना का नाम मैंने इसलिए फिल किया क्योंकि जो आपका पासपोर्ट पे जो एड्रेस दिखता है ये दोनों मिला के दिखता है। अगर आप यहाँ भी थाना का नाम फिल करेंगे एंड यहाँ भी अपना गांव का नाम फिल करेंगे तो आपका जो गांव या शहर का नाम है दो दो बार दिखने लगेगा। तो इसीलिए मैंने कुछ एड्रेस यहाँ पे फिल किया एंड कुछ एड्रेस यहाँ पे फिल किया। इसके बाद आपका स्टेट एंड जिला ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, पुलिस स्टेशन में अपने थाना के नाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना पिन कोड को यहाँ पे फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे एंड ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी को भी यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस अस्थाई पता है और प्रेजेंट एड्रेस मतलब जो वर्तमान पता है दोनों सेम है। अगर आपके केस में दोनों सेम एड्रेस है परमानेंट एंड प्रेजेंट तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ अलग से फिल करेंगे। मेरे केस में दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट आपसे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का डिटेल्स मांगा जाएगा। दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपको उनका डिटेल्स फिल करना है जो आपके घर के गार्जियन है। जैसे अगर आपके अब्बू घर के गार्जियन है तो यहाँ पे अपना अब्बू का नाम और उनका एड्रेस को फिल करेंगे इसी कॉलम में एंड उसके बाद उनका मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे। उनका ईमेल आईडी भी है तो यहाँ पे उनका ईमेल आईडी को भी फिल कर देंगे। आपके घर में कोई और गार्जियन है तो उनका डिटेल्स फिल कर सकते हैं। ये डिटेल्स इसलिए पूछा जाता है कि अगर आप किसी विदेश में किसी कारणवश कहीं पे फंस जाते हैं तो इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अपने घर का गार्जियन का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर को फिल करेंगे जो भी आपका पासपोर्ट नंबर था। डेट ऑफ इशू में आपका पासपोर्ट कब इशू किया गया था आपके पासपोर्ट पे लिखा रहता है तो उस इशू डेट को यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे मेरे केस में 2014 का पासपोर्ट इशू किया गया था 2014 का यहाँ पे मैं डेट को फिल कर देता हूँ। डेट ऑफ एक्सपायरी में आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होने वाला है या फिर कब एक्सपायर हुआ था उस डेट को यहाँ पे फिल कर देंगे। प्लेस ऑफ इशू में आपका पासपोर्ट कहाँ इशू किया गया था वो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा रहता है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ इशू को यहाँ पे फिल कर देंगे। फाइल नंबर में आपके पासपोर्ट पे एक फाइल नंबर भी दिया जाता है। फाइल नंबर आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे लिखा रहता है जहाँ पे आपका माता पिता का नाम रहता है और एड्रेस रहता है, ठीक है। नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल नंबर भी लिखा रहता है। दोस्तों आप उस फाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट, तो आप इसमें नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स नॉट अवेलेबल। दूसरा है, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो इसमें भी आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सब कुछ फिल करने के बाद आपको लास्ट में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे अदर डिटेल्स मांगा जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे इसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों इसका जवाब में आप सिंपली सभी में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ए टू जेड सभी में आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यस उनके लिए है जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, जो कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किए गए हैं, जिसका पासपोर्ट रिफ्यूज किया गया है, डिनाइड किया गया है, या फिर कोई फॉरेन सिटीजनशिप है, या फिर अगर आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाना है तो उस केस में आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे सभी में नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप
आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन में आपके पासपोर्ट पे क्या क्या डिटेल्स रहेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप एक बार अपनी डिटेल्स को सही तरीके से यहाँ पे चेक कर लेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन का यहाँ पे एक पोर्टल खुल के चलाएगा। इसमें आपको बेसिकली ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है। यहाँ पे आपको दो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, पहला प्रूफ ऑफ बर्थ एंड दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पॉलिसी बॉन्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों पहले प्रूफ ऑफ बर्थ में आधार कार्ड का भी ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन अभी पासपोर्ट के पोर्टल पे आधार कार्ड के ऑप्शन को हटा दिया गया है प्रूफ ऑफ बर्थ के सेक्शन से। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है पासपोर्ट इंडिया के द्वारा। पहले आप लोग सिर्फ आधार कार्ड से एक नया पासपोर्ट को बना सकते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पे, चाहे वो पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप आधार कार्ड को यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पे नहीं दे सकते। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग प्रूफ ऑफ बर्थ में अपना एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक कंसेंट आपको देखने को मिलेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। ये उनके लिए है जिसका पासपोर्ट खो चुका है या डैमेज हो चुका है एंड उसका एफिडेविट के लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लेस में अपना प्लेस के नाम यहाँ पे फिल करेंगे, इस कंसेंट को यहाँ पे आप देंगे एंड सेव माय डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का डिटेल्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगा। डिटेल्स को सेव करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का, आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपने अभी तक जितना भी डिटेल्स फिल किया है उन सभी का यहाँ पे एक बार प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबमिट करने से पहले आप इस प्रीव्यू को एक बार सही तरीके से मिला लेंगे। सब कुछ मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि आपने सब कुछ सही से फिल कर दिया है तो यहाँ पे आप क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड अगर आपको लगे कि आपने कुछ गलती कर दिया है, उसे सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्रीवियस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप पीछे वाले डिटेल्स को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों मेरे केस में मुझे सब कुछ सही लग रहा है तो मैं यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चूज पेमेंट मोड में आप यहाँ पे स्टेट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले स्टेप्स में चले आएंगे। इसमें आपको नीचे आके अपना लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस जगह से अपना पासपोर्ट को बनाना चाहते हैं। दोस्तों जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पासपोर्ट ऑफिस पटना सिलेक्ट किया था, तो पटना से जितने सारे पासपोर्ट ऑफिस लिंक है उन सभी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें से अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का स्टेप्स खुल के चलाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस डेट को आप पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं। मेरे केस में आप यहाँ पे देखेंगे जो मेरा सीट अवेलेबल है वो 5 फरवरी से पहले का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 2 तक फुल है एंड शनिचर इतवार को छुट्टी है एंड 5 से यहाँ पे खाली बता रहा है। तो मैं यहाँ पे पहला डेट लेना चाहता हूँ 5 तारीख को, तो यहाँ पे 5 तारीख के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद पेमेंट करने के लिए जो पासपोर्ट रीयूसी का जो चार्ज है 1500 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के चलाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना पेमेंट नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी पेमेंट मेथड अवेलेबल है आप उसके अनुसार अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो जो आपका अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो जाएगा एंड आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर भी दे दिया जाएगा। दोस्तों नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम भी दे दिया जाएगा, ठीक है। डेट आप अपने मन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए थे लेकिन जो आपका टाइमिंग है वो आपको पेमेंट करने के बाद ही दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो टाइमिंग है 2:45 का दिया हुआ है। तो आपका भी जो यहाँ पे टाइमिंग शो करेगा उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपने पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे। तो दोस्तों इस अपॉइंटमेंट रिसीट को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसे प्रिंट करके या फिर PDF फाइल में सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पासपोर्ट रीइश्यू करने का ऑनलाइन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक कॉलम डिटेल में समझाया है। अब यहाँ पे समझेंगे कि पासपोर्ट रीइश्यू का ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका प्रूफ ऑफ बर्थ आपको लेके जाना
पड़ेगा। प्रूफ ऑफ बर्थ में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड लेके जाऊंगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे लेके जाएंगे, या फिर अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस के तौर पे तो आप उसे लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट रिसीट लेके जाना है, जो अप्लाई करने के बाद जो लास्ट में रिसीट निकला था उसे आप प्रिंट आउट करके लेके जाएंगे। चौथा जो डॉक्यूमेंट है प्रीवियस पासपोर्ट, जो आपका पुराना पासपोर्ट था वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। वहां पे डिमांड किया जाता है अगर आप पासपोर्ट री इशू के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रीवियस पासपोर्ट भी लेके जाना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो भी डिग्री है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आप अपने अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट को भी लेके जाएंगे। एंड लास्ट जो डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर वेरीफाई आधार कार्ड। दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर ऐप पे वेरीफाई करके लेके जाना पड़ेगा। मेरे जो अंकल है बिना डिजी लॉकर से वेरीफाई किए आधार कार्ड को लेके गए थे तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उनका आधार कार्ड को डिजी लॉकर ऐप पे वेरीफाई किया और उसके बाद वो गए तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। डिजी लॉकर ऐप पे आधार कार्ड को कैसे वेरीफाई करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी है जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि डिजी लॉकर वाला आधार कार्ड मेरे तरफ नहीं मांगा जा रहा है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके स्टेट में या फिर आपके जिले में नहीं मांगा जा रहा हो, लेकिन मैं जहां से बिलोंग करता हूं गया जिला से, वहां पे हम लोगों से डिजी लॉकर से वेरीफाई किया हुआ आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल कॉपी भी अपने पास रख लेंगे, दोनों कॉपी को अपने पास रख के लेके जाना है पासपोर्ट ऑफिस। आप सिर्फ फोटोकॉपी लेके जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो दोस्तों आप ओरिजिनल अपना जरूर लेके जाइए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका जो पासपोर्ट है आपके घर के एड्रेस पे 1 हफ्ता से 10 दिनों के अंदर चला आता है। अगर आप अपने पासपोर्ट में किसी प्रकार का चेंजेस कर रहे हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा। अगर जाने का रहेगा तो आपके थाने से आपको कॉल आएगा एंड आपको जाके वहां पे अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा लेना है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक पासपोर्ट को दोबारा री इशू कैसे करते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा एंड इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।